अरे माँ क्या करके मारेगी आप आज, पापा से कौन से जन्म का बदला ले रही है आप। तो हम सब सारी दुल्हने निकल गई दोनों अपनी अपने शादी के लिए, मैं ही सबसे लास्ट में निकली थी। आपकी तो शादी की फोटो भी है मम्मी, मेरी माँ की तो वो भी नहीं है। आज सोना मॉर्निंग से ही उठ के बार बार लगी हुई है मुझे गाड़ी दो गाड़ी दो, मतलब साइकिल के लिए कह रही है। और आज इसे रात भर बुखार था, सोई भी नहीं है बेचारी। काशु गाड़ी, पापा निकालेंगे ऊपर से गाड़ी। बच्चे ना इतना फील नहीं करते, पर रात के टाइम पे तो बहुत रो रही थी, अभी नहीं रो रही है, पर अभी भी लिटरली उसे बहुत बुखार है, बहुत तेज बुखार है। आवाज में भी लग रहा सच। ओ बच्चा, चलो तेरी गाड़ी निकालते जरा ऊपर से। सबसे गाड़ी मांग रही है मम्मी, गाड़ी मांग रही है। गाड़ी 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 गाड़ी, मैंने सारी चीज निकाल के दी उसको, क्या चाहिए क्या चाहिए। ये टू यू है, ये नहीं चाहिए। और भाग भी रही है उसको, ये चाहिए, ये तासु, ये नो नो नो, क्या चाहिए, ये चाहिए उसको। जय करेगी देखना, जय जय जय, नहीं बल ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, ये गाड़ी। मुश्किल से चढ़ाई थी कासू, अब चलाएगा नहीं तो पिटेगा। यही यही गाड़ी गाड़ी अब रुक जा, कपड़ा उतर गई, अब उतरी है। वाह मेरे बच्चे को बुकाल भी आला है। रुक जा पहले साफ करने दो, क्लीन गाड़ी। चलो गाड़ी निकाल दी कासी की, तो थोड़ा अच्छा फील करेगी वो, और इस टाइम अगर थोड़ी सी भी अच्छी फीलिंग आ जाए ना तो आधी बीमारी वैसे ही खत्म हो जाती है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। काशी की आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, और देखो ऐसे ऐसे जाके सो जा रही है वो। अभी दिन के बज रहे हैं 3 और आज सुबह से बिल्कुल भी नहीं खेली है, नहीं तो और दिन क्या होता है कि सुबह उठते ही भागती है दादा दादी के पास, चाचा के पास ना, उधर भागती रहती है, पर आज बिल्कुल नहीं भाग रही है, सुबह से ये लेट ही रखी है। अब देखो ना, जब अगर हमारी अगर तबीयत खराब होती है या कुछ भी होता है तो हम कैसे जाते हैं, तो ये तो बच्चे ही ठहरे। वैसे तो बच्चे इतना माइंड नहीं करते, खेलते जाते हैं, पर इसने आज खाना भी नहीं खाया और सिर्फ दूध दूध पिया और सो गई, और सोई भी किया है तब से, उठ ही जा रही है बीच में बीच में, उठ रही है उठ रही है, और मैं इसको अपने ऊपर लेटा रहा हूँ, सो जा रही है। उसकी नाक भी बह रही है ना, तो अभी हमने बुखार भी आया आज उसे मॉर्निंग में, हमने से पैरासिटामोल दी। पर मुझे ना खुशी इस बात की है कि इस बहाने कासी मेरे साथ लेटी हुई है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरे ऊपर ऐसे लेटती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरे लिए बेस्ट फीलिंग है। गर्दन सही कर दो पहले। आज दिन कितनी भागती थी में, जुलाई में, वहाँ पे वहाँ पे मेरे कमरे में, चाचू नन्नु के कमरे में, नन्नु नन्नु, आज बुखार से घायल हो रही है, मेरे बुखार। दोस्तों अभी हो गई है शाम और हम सभी चाय पी रहे हैं शाम की, और कासी को सीमा नमकीन दे रही है। अरे यहाँ पर पापा मम्मी के दांतों की बात कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं। अरे माँ क्या करके मारेगी आप आज, पापा से कौन से जन्म का बदला ले रही है आप। बेचारी का आंसू देखो कैसे आ रहे हैं, वो देखो सही में कैसे आ रहे हैं, खेल रही है ना, बच्चे बच्चों के साथ ना भगवान होता है, ये चीज है सच में, सहन शक्ति बहुत देता है भगवान, ये देखो। तो दोस्तों चाय पी ली है और मैं भी जीने में हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, और ऊपर सीमा काशी को लेकर गई है और साथ में मम्मी भी है, तो चलते हैं ऊपर और दिखाता हूँ मैं आपको।
जैसे कि आपने देखा था लास्ट साल ब्लॉग में कि हम लास्ट में भी गए थे साथ में, और लो तो जैसे कि मैंने दिखाया था आपको लास्ट साल ब्लॉग में कि हमारी छत में भी रेलिंग वेलिंग लग गई है, तो अभी हम क्या है कि सेफ्टी हो गई है हमारे बच्चों के लिए और प्लस हम लोगों के लिए भी सेफ्टी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो आप रेलिंग देख रहे हो ना लगी हुई, पहले यहाँ बिल्कुल भी लगी नहीं थी, यहाँ पे ये पूरी खुली थी। हाँ खुली थी, तो आने में डर लगता था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए अब हम क्या है कि रोज आया करेंगे। जैसे हम जहाँ रहते थे पहले वहाँ हमारे ब्लॉग में देखते ही थे कि हम डेली छत में जाते थे, हमारे ब्लॉग का एक पार्ट हुआ करता था, हमारी छत रूटीन था हमारा छत में जाना, और वो आपको हमारे ब्लॉग में देखने को मिलता भी था। और आई होप कि यहाँ पर भी हम डेली ब्लॉग में अपनी छत को इंक्लूड करेंगे। और बढ़िया हो गया कासे के लिए आज यहाँ पे साइकिल निकाली, तो पहले ये प्लान था कि हम इसको नीचे लेके जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं अभी छत भी ठीक है, छत में घुमाएंगे, छत बड़ी भी है ये, बढ़िया। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से, मम्मी वहाँ पे देख रही है। तो अभी दादी ने शुरू कर दिया कासी को घुमाना, मम्मी थक गई उसी घुमा घुमा के, अभी मैंने ब्लॉग डाला है तो वही देख रही है, वो कमेंट्स पढ़ रही है। आई थिंक मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, क्योंकि कल ना लिटरली मुझे भी रोना आ गया था जब काशू ना नन्नू नन्नू, बच्चे वाकई में बहुत मासूम होते हैं, और जब वो याद कर दिए ना तो उसका मुंह बहुत उतर जाता है फेस, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसको याद कम आए, और इसलिए उसको कभी बाहर घुमा रही हूँ, कभी नीचे ले जा रही हूँ, कभी उसके साथ खुद खेल रही हूँ। ठीक है अभी तो आ जाएगा जल्दी नन्नू भी, 4-5 दिन में। काशी बोल रही दादी मुझे इस छत से सीधे वो वाली छत में ले चलो, ध्यान तो वही है, मेरा ध्यान भी वही है मम्मी। तो अभी सीमा छुपी हुई है, छुप तो तुम ऐसे रही हो, ओ तेरी चीते की फुर्ती आ गई तुम्हें। काशी लुकलुकी देखा है, लुकलुकी। अरे वाह क्या बात है, सामने से ट्रेन आ रही है, तो मैं वीडियो शूट कर ही रहा था तो सोचा कि ये भी शूट कर लेता हूँ, और बढ़िया हो जाएगा आप लोगों के लिए भी, कुछ अलग देखने को मिलेगा हमारे ब्लॉग में। और आप में से 2-3 लोगों ने हमसे पूछा भी था कि आपका घर जो है रेलवे स्टेशन से पास में है, तो क्या आपको डिस्टर्बेंस फील नहीं होती। मैं बता दूँ आप लोगों को कि हमें अभी तक कोई डिस्टर्बेंस फील नहीं हुआ ट्रेन की नॉइज़ से। और ये लो इसी बीच में आ गई है दूसरी तरफ मेट्रो, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक तरफ है हमारा रेलवे स्टेशन और दूसरी तरफ है मेट्रो स्टेशन। तो ये रेड लाइन मेट्रो है जो कि डायरेक्ट जाती है कश्मीरी गेट, दिलसाद गार्डन होते हुए। है मम्मी हा? एक साइड हमारी रेलवे स्टेशन है, ट्रेन है, और एक साइड हमें मेट्रो देखने को मिलती है। जी टी रोड है, मोहन नगर भी पास में ही है जहाँ से हम गाँव जाने के लिए अभी छत पर आए रखा हूँ, तो सोचा मैंने जो चीज़ हमें छत से देखने को मिलती है वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये है दोस्तों IME कॉलेज जो कि हमारे घर से जस्ट पास में ही है, और ये देखो सामने टंकी पर लिखा है IME, और जिसके ऊपर बहुत सारे कबूतर बैठे हुए हैं। तो और आप लोग बताना कॉमेंट्स में कि किसने ये कॉलेज देखा हुआ है, वैसे तो जो लोग आसपास रहते हैं उन्होंने तो ऑब्वियसली देखा ही होगा, लेकिन फिर भी आप लोग बताना कॉमेंट्स में जिससे हमें भी पता चले। सीमा जब भी तुम ये ढोल नगाड़े और बैंड बाजे की आवाज़ सुनती हो तो तुम्हें मेरी याद आती है, कि जब तुम बारात लेके आए। हाँ आती है इसी आवाज़, जो बैंक्वेट हॉल था ना हमारा। हाँ उसी के इधर ही था मम्मी वो पार्लर। हाँ तो आवाज आ रही थी जब ये आए थे ना, और हम ना 3 ब्राइड तैयार हो रही थी उस दिन, 3 मेरे साथ साथ 2 दूल्हे और आई हुई थी। अच्छा तो हम सब सारी दूल्हे निकल गई दोनों अपनी अपने शादी के लिए, मैं ही सबसे लास्ट में निकली थी, क्योंकि ना हमारी गई। हाँ क्योंकि मम्मी आ तो आप लोग टाइम से गए थे। हाँ। पर मेरे ख्याल से वहाँ पे लग गया था टाइम। हाँ। पहले सांपड़ा लेके आए ना घर। अच्छा हाँ। मतलब कुछ हुआ था ऐसे, मुझे बाद में पता चला। हॉल में पहले सांपड़ा पार्लर से 10 बजे निकली हूँ, 10:30 बजे निकली हूँ, ऐसे ही निकली थी ना। हाँ, फिर हमारी जयमाला उसके बाद तुरंत हो गई थी। तो दोस्तों बहुत याद आती है, सबको अपनी शादी याद आती होगी। सही बात है, बहुत याद आती है, और ऐसा लगता है अभी की तो बात है जब हम दूल्हा दुल्हन बने थे, और चार साल भी हो गए। अरे हाँ मुझे शादी से याद आया, बहुत लोगों ने उस टाइम बोला भी था जब ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी कि आप ना अपना जब आप घूमने गए थे आफ्टर मैरिज, तो उसकी वीडियो शेयर करना या पिक्चर्स होंगे तो पिक्चर शेयर करना, तो मैं सोच रही थी अपनी मैरिज एनिवर्सरी के टाइम पर डाल दो, पर वही ना काशू के साथ वगैरह फिर भूल गई मैं। बट अगर आपको अब देखनी है ना तो आप मुझे बताना, मैं बहुत अच्छा सा एक बना के ना वीडियो आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी, जितनी भी क्लिप्स होंगे ना हमारे पास सारी आपको केरल का थोड़ा थोड़ा आइडिया दे ही दूंगी कि हम केरल गए थे दोस्तों हम उस टाइम, दादू तो हम जहाँ जा गए थे ना सब बता देंगे आपको।
बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि किस किस को देखना है। एक हमारा समय था, हाथ में मेहंदी लगाने वाला कोई नहीं, दूध पार्लर वगैरह कुछ नहीं। लकड़ी से लगाते थे बल? नहीं, वो भी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाई मुझे तो। मैंने बहुत छोटे की एक शादी देखी थी अपनी बुआ की, तो उसमें ना लकड़ी से लगा रहे थे उनके हाथ में गोल गोल ऐसे 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 करके। नहीं लगाया, किसी को ही आए नहीं था। आपकी तो शादी की फोटो भी है मम्मी, मेरी माँ की तो वो भी नहीं है, कम से कम फोटो खींची हुई है। तो अभी हो चुका है डिनर टाइम, और दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि कासी की तबीयत आज सुबह से खराब हो रखी है, और कासी के साथ में ही किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो खाना बनाने का मन नहीं करता सीमा का। तो बात ये ना, तू छोड़ नहीं रही थी और मेरे ही साथ चिपकी हुई है तब से, और सही में जब भी वो बीमार होती है ना तो फिर बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करती है, तो इसलिए मुझे या इनके पास ही चिपकी जा रही है। तो फिर मम्मी ने बोला बाहर से ही मंगा लेते हैं। तो फिर बाहर से मंगाया है दोस्तों, ये सब मंगाया है। पापा के लिए थाली मंगाई है, मम्मी को चाउमीन खाने का मन था तो चाउमीन मंगाया, हम दोनों ने चाउमीन और चिली पटेटो मंगाया, और साथ में स्प्रिंग रोल भी है। बोल गया तू स्प्रिंग रोल? अरे हां स्प्रिंग रोल भी है। चलो फिर दोस्तों खाते हैं, और लेते हैं खाने के बाद पांच लोगों के नाम जिनके की प्रीवियस ब्लॉग में कमेंट्स आए थे और जो कमेंट्स हमें अच्छे लगे हैं उनका नाम लेते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग पूरा देखिएगा। सुने खाली दवाई आ जाओ बाहर चलते हैं, आ जाओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। एप्पल खाएगा जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। दादा दादी बाहर बैठे हैं, आ जा आजा 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 जा। हाँ जा आजा। अरे मेरा कासू आ गया, ये कासू ये कर दे जरा, ये लग रहा है पैरासिटामोल ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अभी तो खिलाई सेकंड में नहीं हुआ। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 10:41, तो 11 बजने वाले हैं, और कासी यहाँ पे झूल रही है बाहर बालकनी में, उसकी मम्मी और पीछे से दादी है, तो काशी के मजे हैं भैया, और बच्चों के तो होते ही मजे हैं यार सही में, क्यों सीमा? बचपन होता है ना। ये वो टाइम है ना किसी चीज की टेंशन ना कोई स्ट्रेस, ये सावन के महीने में झुलाएंगे इनको, सावन दोनों को मोर बना देंगे सावन के महीने में, खुद भी झूलेंगे। हम कैसे झूलेंगे मम्मी? हम झूलेंगे फिर झूला झूले लाएंगे झूलेंगे। बारिश हो रही है क्या? जय माता दी। जय जय जयकारा तेरा वाली का। कर कैसे रे? उसको याद हो गया था उसमें नवरात्रों में। बोलो साचे तलवार की जय। हेलो दोस्तों, तो नाम लेते हैं, फर्स्ट नाम मैं ले रही हूँ नवसोना ब्लॉग्स उत्तराखंडी जी का। इन्होंने लिखा है पाम में गोबर डालो अच्छा हो जाएगा प्लांट, इसको ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है अपने आप ही हो जाता है। तो नवसोना जी मैं काफ़ी दिनों से वैसे टेंस थी आपने बोला है गोबर डालने के लिए, और गोबर मैंने भी सुना है कि बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए, तो मैं लेके आती हूँ गोबर, आसपास मिल ही जाएगा मुझे लगता है। थैंक यू आपके सजेशन के लिए। नेक्स्ट कमेंट है सोना रावत जी का, उन्होंने लिखा है दीदी आप जो भैया के लिए स्प्राउट्स बनाते हैं वो देखने में काफ़ी यम्मी लगता है, उसकी रेसिपी शेयर जरूर करना। तो सोना रावत भूली, कोई इतनी खास रेसिपी नहीं है, बस क्या होता है ना आपके पास जो वेजिटेबल है जो खा सकते हैं हम कच्चा कंज्यूम कर सकते हैं वो डाल दो, जैसे खीरा प्याज टमाटर नींबू और स्प्राउट्स तो होते ही है, और अगर आपके पास वो भी है क्या बोलते हैं उसको स्वीट कॉर्न वो डाल दो, पतला पतला काट के पनीर डाल सकते हैं आप उसमें, मतलब सारी वेजेस मिला के डालो ना, और ऊपर से नींबू और चाट मसाला कुछ नहीं है उसमें, और कुछ भी नहीं, और अगर आपको कोई फेवरेट नमकीन है आप नमकीन भी डाल सकते हैं उसमें, तो बहुत टेस्टी बनता है, आप इतने भी डालोगे आराम से बन जाएगा। जो ये कच्ची दाल खाता है किसी ने पूछ रखा है, ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं भूली, आप भी बनाना और जरूर खाना बहुत टेस्टी होता है। नेक्स्ट कमेंट है वंदना वर्मा जी का, इन्होंने लिखा है कब से वेट था आपके ब्लॉग का, आपने कहा था डेली बनाया करोगे लेकिन आया नहीं ब्लॉग में, नोटिफिकेशन चेक कर रही थी बार बार। वंदना जी हम भी सोचते हैं और डेली कोशिश करते हैं कि ब्लॉग बन जाए, शाम को हमेशा सोचते हैं अरे यार आज तो कुछ हुआ नहीं खास क्या डाले ब्लॉग में, तो हम भी इसलिए सोचते हैं कि आपको भी अच्छा लगे ब्लॉग देखने में, तो इसलिए हम कुछ नया नया करते रहे, तो जब हमारी संतुष्टि नहीं हो पाती तो आपको देखने में क्या मजा आएगा, इसलिए हम जबरदस्ती का ब्लॉग नहीं डालते, जब कुछ इंटरेस्टिंग होता है तब डाल देते, चाहे वो दो दिन बन के डालें, और फिर अभी आजकल काशु की तबीयत भी ठीक नहीं थी, अब कोशिश करेंगे। थैंक यू आपके कमेंट के लिए। नेक्स्ट कमेंट
धनाई जी का, उन्होंने लिखा है सीमा बेटा जी थोड़ा मेरे लिए भी बनाना तोरी भात, मुझे भी बहुत बहुत पसंद है। आपकी सास का दर्द कब ठीक होगा, मुझे बहुत अजीब सा लगता है देखकर, कासू को बहुत बहुत प्यार, अच्छा लगा देखकर दादी की सेवा। सिद्धि धनाई जी पहले तो नमस्कार आपको, और दूसरी बात कि मम्मी के ना दांत में दर्द नहीं है, दांत का दर्द तो ठीक हो गया, उनको ना सर्दी जुकाम लगा हुआ था, ये देखो तो मैं दादी पोती को आजकल सर्दी जुकाम लगा हुआ है तो इसलिए वो थोड़ा सा पेन में, बाकी वो मम्मी के तो ठीक हो गया, अभी काशी को हो रखा है। तो आपके कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी। हाँ। एक हमारी मतलब व्यूअर है सब्सक्राइबर सिद्धि धनाई जी, सिद्धि धनाई जी वो आपको हमेशा बोलती है दीदी को प्रणाम करना, अपनी सास को प्रणाम करना, तो आपके लिए हमेशा कमेंट करती है, उनके लिए कुछ कहो आप। मैं भी क्या बोलूं, मैं तो इतना ही बोल सकता जो मुझे इतना करते हैं, ये को इतना वो देते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, मैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के, कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं ऐसा सुनती हूँ कि आपको बहुत वो करते हैं, मिस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और खासकर आप हिंदी में कमेंट करते हो ना तो मम्मी पढ़ती है वो चीज़, तो हिंदी में लिखते हो आप तो मैं पढ़ती हूँ, इंग्लिश में मैं इनसे आता नहीं है कुछ नहीं आता नहीं इंग्लिश में कुछ, पर बच्चों के साथ में सीख रही हूँ थोड़ा, ये भी सी डी आ जाती है, 1 2 3 आ जाते हैं, पर जो जो लिखा होता है इंग्लिश में वो नहीं पढ़ पाती हूँ मैं, उनको जोड़ना नहीं आता है ये कैसे होता है, वो जोड़ना नहीं आता मुझे, और ये भी सीढ़ी पूरी पढ़ लेती हूँ, ये लोग भी सिखाते हैं ना कैसे होता है, तो मैं पढ़ लेती हूँ उस चीज़ को, और ऐसा दिमाग है मेरा थोड़ा बहुत, कि मेरा अपनों का है, ये मेरे रिश्तेदारों का है, ये मेरा अपना परिवार वालों का है। आप हमेशा अपने कमेंट में मम्मी को मेंशन करते हो ना, तो इसलिए सोचा मम्मी से ही बुलवा देते हैं, तो धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। दोस्तों मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ इस छुचंदर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय शंभू।